यशवंत कुमार ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो उछालो यारो। यही एक प्रयास कर रहे हैं वेल नोन टीवी एक्टर मोहित दागा जी। नमस्कार, मैं शुभाक्षर आप सबका दी संडे पोस्ट में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हमारे साथ दिल से दिल की बात कार्यक्रम में टीवी जगत के हस्ती शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है मोहित दागा जी। मोहित दागा जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मैं पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जैसा अभी बताया मुझे, आपका न्यूज़पेपर नंबर 1 चल रहा है वहाँ पे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप दिन दुगनी रात चौगनी करें, यही शुभकामनाएं, और आपके दर्शकों को भी और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप दें ताकि चैनल नंबर 1 की ओर अग्रसर हो। थैंक यू सो मच मोहित साहब। आपको विट्ठल कैरेक्टर याद है, एक मुट्ठी आसमान, उसमें आप रिनोन्ड एक्ट्रेस जो अपने ज़माने में एक शिल्पा शिरोडकर जी, उनके साथ आपने काम किया है और उनके साथ जो उनकी एक्टिंग स्किल्स हैं, शी इज़ वेरी वेल बिहेव्ड एंड वेल नोन्ड एक्ट्रेस, कैसा अनुभव रहा उनके साथ? कुछ संस्मरण ऐसा जो हम सबको गुदगुदा दे और बहुत बड़ी सीख आपको उनसे मिली हो? सी, उनके साथ जितने भी समय मैंने उनके साथ शूटिंग किया, वो टाइम की बड़ी पंक्चुअल है और मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा टाइम के मामले में उस समय गलतियां किया करता था, जो मुझे उनसे सीखने भी मिला और सुधारने भी मिला। एक तो ये बहुत खूबी है, और उन्होंने कभी भी काफ़ी फिल्में की है, मेरे ख्याल से 80 फिल्में करीब करीब की है उन्होंने, उसके बावजूद भी टेलीविज़न में किसी भी बंदे को स्पॉट से लेकर, चाहे कोई भी आप पोस्ट को आप रख सकती हैं सामने, किसी भी बंदे को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं 80 फिल्में करके आई हूँ। आमतौर पे दुर्भाग्य है, हमारी टीवी इंडस्ट्री में कई बार बहक जाते हैं, थोड़े से स्टारडम में हम लोग बहक जाते हैं, लेकिन उनको जब हमने देखा इस तरह से, इतने डाउन टू अर्थ और इतने हम्बल तरीके से वो सेट पे रहीं, वो सीखने लायक है। मुझे नहीं, हर किसी के लिए वो सीखने लायक है। विट्ठल कैरेक्टर के बाद आम मोहित से खास मोहित बने हैं जो, उसका कुछ कुछ यादगार ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा फ़ैन आया हो या समथिंग, कुछ ऐसा हुआ हो इंसिडेंट? सी, मैं पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे जो इतनी इज्जत दी है। मैं कोई ख़ास नहीं हूँ, मैं आज भी आम मोहित ही हूँ और उसी तरह से अपने जीवन को आगे ले जाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन ये है, जब कोई किरदार आपके दिल के करीब हो जाता है तो आपको स्वाभाविक रूप से आपको दर्शकों का प्यार मिलता है, और वो मैं उन सौभाग्यशालियों में भगवान की कृपा से अपने आप को मानता हूँ कि विट्ठल की वजह से मुझे आज भी प्यार मिलता है। तो नहीं तो लोग कहते हैं कि टेलीविज़न में मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा बहुत याद रखते हैं। थोड़ा बहुत नहीं सर, हम जानते हैं बहुत याद किया जाता है आपको। एक अपने पारिवारिक परिदृश्य के बारे में हमें कुछ बताएं कि माँ बाप के जीवन के बारे में, अपने स्कूल कॉलेज के संस्मरण, कुछ यादें बताएं हम सबसे। देखिए, मैं मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे पिता का नाम श्री बसंत कुमार जी डागा है और वो एग्रीकल्चर हार्डवेयर से जुड़े के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उसमें फार्मिंग भी आ गई है, स्प्रिंकलर पाइप इस तरह की चीज़ें भी आ गई हैं। तो मैं 8th क्लास से, एक पैर मेरा गोडाउन और एक पैर मेरा दुकान पे होता था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, गाडरवारा एक छोटा सा टाउन है मध्य प्रदेश का, जिसका शायद नाम भी आप ढंग से कोई ना ले पाए या उन्हें पता भी नहीं होगा, और वहाँ से मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिस सिटी में सफ़र प्रैक्टिकली हमारे लिए वहाँ पॉसिबल था नहीं सोचना। लेकिन वो कहते हैं ना, नियति के आगे वही है वही जो राम रची राखा, तो वो अपने आप रास्ता बना। और मेरी एक बुआ जी हैं, कज़न बुआ जी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी फ़ोटो ठीक ठाक आती है, तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करते फिल्म लाइन में। मैंने कहा, अरे बुआ जी, गाडरवारा से कहाँ बम्बई जाएंगे, हमको इंग्लिश भी नहीं आती, वहाँ छोटा छोटा बच्चा भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, एक तो वो भी कॉम्प्लेक्स था उस समय। तो फिर लेकिन समय बीता, 2002 में मैं मुंबई आया, आज 17 साल हो गए हैं। उस दरमियान मैंने पहला शो था मेरा अनुराग बासु सर के साथ, उस समय उनकी मेट्रो फिल्म ख़त्म हुई थी और वो हमको सौभाग्य की बात है कि वो भी टेलीविज़न की शूटिंग में आते थे, तो उनसे काफ़ी सीखने मिला। और उन्होंने ही हमको ये वर्ड दिया था, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि नेट प्रैक्टिस चल रही है। आए थे हम 70 mm का पर्दे का ख्वाब लेके, क्योंकि
टेलीविज़न में क्या होता है, इतने सारे शोज़ हैं और वो डेली शो पे हर दिन अखबार की तरह एपिसोड पलट जाता है। तो अब आपने कुछ भी अगर अच्छा सीन भी किया है ना, लंबे लंबे अच्छे अच्छे सीन भी किए हैं ना, तो वो याद दिलाना पड़ता है लोगों को, अरे मैंने फलाना सीन किया था, तुमको याद नहीं है, अच्छा मैं दिखाता हूँ, ये देखो। फिल्म में आप अगर एक अच्छा सीन कर लेते हो तो आप हमेशा के लिए वहाँ, फिर याद नहीं दिलाना पड़ता कि मैंने, देखो आज भी हमें पुरानी फिल्मों में जो हमारे लेजेंड एक्टर्स हैं उनके सीन्स याद हैं हमें, और उसी को लेके हम चलते हैं कि यार ऐसा ऐसा कभी हम भी करना चाहते हैं या करेंगे। तो पारिवारिक जो आपने पृष्ठभूमि मेरी पूछी है, उसमें जॉइंट फैमिली है, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मैं सही बताऊं, कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं एवरेज पढ़ाई वाला लड़का रहा हूं, क्योंकि मैं 8th क्लास से, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं दुकान पे बैठने लगा था, लेकिन वो किस्मत मोड़ ले आज। लेकिन अगर आप पूछेंगे अब आप दुकान देखोगे या ये करोगे, तो मुझे अब मुझे ऐसा लगता है मैं शायद एक्टिंग के अलावा कुछ कर नहीं पाऊँगा, आगे भगवान की मर्ज़ी। एक्टिंग के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस संस्मरण को बताते बताते आपने होइए वही राम जिस राम रच राखा ये बोला, और राम नाम का नाम आया तो मुझे अपना होम टाउन अयोध्या याद आ गया, क्योंकि मैं रामनगरी अयोध्या से हूँ। बड़ा अच्छा लगा, मार्मिक सा भी हो गया। लेकिन आपके मैं फेसबुक प्रोफाइल देख रही थी, और आप हिंदी को बहुत प्रमोट करते हैं, और कई मैंने उसमें पोस्ट देखी जो मैं रात में सर्च कर रही थी, तो राष्ट्रीयता को आप बहुत प्रमोट करते हैं। मोहित डागा के लिए व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता क्या है? मैं थैंक यू कहूँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी, मेरा एक तो जन्म 15 अगस्त का है जी, तो शायद वो मेरे, हाँ मेरे ब्लड में शायद राष्ट्र के प्रति प्रेम आ गया है, और वो मेरे अंदर ही नहीं, वो सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम सब हैं। अब आपने राष्ट्रीय भाषा हिंदी की बात करी है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो वो अपनी भाषा को बोलने में झिझकता हो या कतराता हो या उसे शर्म आती हो। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे ही देश के लोगों को हमारी ही भाषा बोलने में शर्म आती है। मैं खुले मंच पे ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। मैं हिंदी में सोचता हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस हिंदी है, हिंदी में सपने देखता हूँ, और हिंदी मेरी भाषा है, मेरी माँ की भाषा हिंदी है, तो मुझे इसमें कोई शर्म की बात ना तो आएगी कभी, ना है ना होगी। और मैं उनको भी यही बात करूँगा, आप सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए इंसान के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग ये चीज़ देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस। अगर और वो किसी भी भाषा में हो, आपको कभी झुकने नहीं देगा। अगर आप हिंदी भाषी भी हो और आप कॉन्फिडेंस से आप पूछते हो भाई साहब ये रास्ता कहाँ जा रहा है, और सामने वाला ना चाहते हुए भी हिंदी में जवाब देगा, भैया जरा यहाँ से राइट ले लेना, आप पहुँच जाओगे। अब एक दो और वीडियोस थे, आप मैंने देखा वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा हो सकता है आप मैसेज कन्विंसिंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वैसा मैसेज कि वो सिनेमैटिक हो या ड्रामेटिक हो या हाइपरबोलिक हो, वो संदेशात्मक होता है। लाइक मतलब कुछ नहीं है तो एक छोटा सा वीडियो आपने बना दिया, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो ये बना दिया, कुछ नहीं हुआ तो एक ड्रिंक नॉट ड्रिंक एंड ड्राइवर ये सब बना दिया, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि हमें एक एक छोटे छोटे माध्यमों से ये संदेश दे सकता हूँ? हो सकता है कि 10 में से किसी एक को स्ट्राइक कर जाए और हमारे एक एक व्यक्ति से ऐसे गागर भर जाए और हमारे देश का भला हो जाए। उसमें क्या है ना, आज दुर्भाग्यवश हम लोग पढ़ने में बड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं, मतलब ऐसे करके पढ़ने में आजकल लोगों को ज़्यादा रुचि नहीं होती है। कई लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, और आज उन्हें एंटरटेनमेंट एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपनी बात बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसानी के साथ पब्लिक तक। टू व्हीलर चलाएं तो हेलमेट पहने, फोर व्हीलर चलाएं तो सीट बेल्ट पहने, दोनों में से कुछ भी चलाएं मगर नशा करके वाहन ना चलाएं। इससे अच्छा माध्यम हो नहीं सकता एक एंटरटेनर के लिए। मैं और मेरी फैटर्निटी के जितने भी लोग इस मुहिम में जुड़े हैं, सबके लेवल अलग अलग हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अक्षय सर हो, चाहे अजय देवगन जी, अभी हाल ही में मैंने उनका स्वच्छ भारत पे एक ऐड देखा, अमित जी, तो आपका भी कार्य है, क्योंकि आपका ये मानना है कि राम सेतु निर्माण में मैं भले ही गिलहरी की भूमिका निभा रहा हूँ, लेकिन गिलहरी की भूमिका निभाऊँ ये मेरा कर्तव्य है। मोहित,
आपसे जो मेरा ये है कि अगर भविष्य में आप फिल्में साइन करते हैं, आपको ऑफर आते हैं या आ भी रहे होंगे, कौन सा ऐसा निर्देशक है जो जिनकी फिल्में या जिनका एक कहते हैं ना आइडियोलॉजी जिनकी आपको प्रभावित करती है, उनकी सृजनात्मकता आपको प्रभावित करती है, कुछ ऐसे एक दो नाम? मैं इम्तियाज़ अली सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. उनकी जो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये क्लिप वो देख लें और वो मुझे बुला लें. एक सीन के लिए भी बुला लेंगे तो मैं दौड़ता हुआ जाऊँगा, कि मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ. और उनकी जो उसके जिस तरह के वो मेकर हैं और उस जिस तरह की सादगी से वो चलते हैं, वो भी मुझे बहुत प्रभावित करती है. राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी मुझे बहुत पसंद है. मैं चाहूँगा कि कभी ऐसी आपके जीवन में अगर अच्छा डायरेक्टर आ गया ना, तो आप मोहित डागा उस दिन मोहित डागा बनेगा जिस दिन उसके जीवन में कोई जब इस तरह के नाम का आशीर्वाद मिले. फिल्में आप देखते हैं और वेब सीरीज़ भी देख रहे हैं. मैं जितने भी इंटरव्यूज़ में ले रही हूँ या मैंने लिया, मैं एक सवाल लगभग कॉमन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सिनेमा जो है उनका समाज के प्रति एक दायित्व है ना. तो अब उन दायित्वों में अगर हम ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो संस्कृति है या हमारे जो सहजता है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो प्रभावित हों, तो क्या ये सही है? क्या अच्छे लेखकों की कमी आ गई है या अच्छे निर्देशकों की कमी आ गई है कि हम एक पर्टिकुलर दो तीन चीज़ें ब्ला 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 रहता है और मतलब एक एक्सपोजर के नाम पे स्त्री के शरीर के अलावा हम कुछ और नहीं दिखा पा रहे हैं ऑन स्क्रीन? ये एक तो ये सवाल बड़ा जटिल है जी. लेकिन अब क्योंकि सवाल आया है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा. सिर्फ मुझे इसकी पहले हम अगर बुनियाद पर जाएँ, हमारे यहाँ जो सेक्स एजुकेशन है वो है ही नहीं. जिसकी है ही नहीं, मतलब अगर इक्का दुक्का कहीं कोई बड़े शहर के कोई बड़े स्कूल में अगर होगी तो वो होगी, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है और आई एम श्योर कि होगी. सेक्स एजुकेशन पे अगर काम करें तो पहली चीज़ तो वहाँ से ही वो डेवलपमेंट शुरू होता है हर किसी के अंदर. हम खुद अपने विचारों में खुले हुए नहीं हैं, जिसकी वजह से मानसिकता कुंद होती जा रही है और कुंद मानसिकता की वजह से जो घटनाएं हमको कभी नहीं सुनना चाहते वो घटनाएं हमको सुनने मिलती हैं. नारी की आपने बात की, मुझे एक बहुत अच्छी बात आती है कि नारी का सम्मान इस देश में कभी कम नहीं हुआ. नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है. पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है. इसी पद्धति को लेकर हम सब आगे चल रहे हैं. लेकिन हर 10 साल में सिनेमा चेंज हुआ है, हर 10 साल में नज़रिया बदला है लोगों का. इसीलिए इसे हम नेटफ्लिक्स पे लाएं या जो भी हम पोर्टल यूज़ कर लें, आप वेब सीरीज़ का आपने कहा मोबाइल माध्यम है, मोबाइल आप 18 साल से ज़्यादा के ही बच्चे 18 साल से आप मोबाइल का यूज़ करना अगर आप शुरू करते हैं और आप अगर वो देख रहे हैं तो अब इसको आप मुझे समझ में नहीं आता आप इसको कैसे देखते हैं या कैसे नहीं देखते हैं. ऐसी मैं वैसा लड़का हूँ कि मैं मेरी बेटी से या मेरे आज ही मैं सदगुरु जी का सुन रहा था मैं मासिक धर्म के ऊपर, मेंसेस के ऊपर. उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बात की है वो बात हर घर में होनी चाहिए, हर लड़की के साथ होनी चाहिए, हर माताओं बहन. हमको बड़ा अलग उसमें देखा गया और उन्होंने जिस तरह से उसको वर्णन किया है वो बहुत सराहनीय है. अब हमें बदलना चाहिए. हमारी अगर आप बात कर रहे हैं 21वीं सदी की, आप बात कर रहे हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की, एक चीज़ पे तो गुरु बन नहीं सकते ना. हमें हर दायरों में काम करना है, हर जगह काम करना है. हमें कुपोषण पे काम करना है, गरीबी पे काम करना है, हमें बेरोज़गारी पे काम करना है, यूथ पे काम करना है, विचारों पे काम करना है, सोच पे काम करना है, तब जाके भारत एक विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा. तब आप शायद ये आपको लगेगा इट्स ए पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री. हमारी इंडस्ट्री का ये भी एक पार्ट है. पहले कहाँ हम इतना दिखाते थे. लेकिन लेकिन कई बार कन्विंसिंगली अगर स्क्रिप्ट की डिमांड के ज़रिए अगर वो चीज़ जा रही है, अब वो अगर आप एक कैरेक्टर है वो बड़ा ही नीच प्रवृत्ति का कैरेक्टर है, अब उसको आप राम जी के वेशभूषा तो नहीं पहना सकते ना. अब नीचता तो दिखेगी उसमें. तभी तो हमें दो अलग शेड दिखते हैं, एक रावण है और एक अलग राम है.
तभी तो शेड दिखे, नहीं तो शेड कैसे दिखेंगे। अब मान लीजिए किसी डायरेक्टर की कल्पना वैसी रही होगी उस कैरेक्टर के बारे में, तो उसने वैसा उसे प्रस्तुत किया। अब उसमें आप उससे अगर घृणा करते हैं तो भी उस एक्टर की तारीफ है कि उसने आपको घृणा करने पे मजबूर कर दिया, और अगर आप उससे प्यार करते हैं तो भी उसकी तारीफ है कि यार उसने घृणा के सीन को भी कितने अच्छे से कर दिया। तो मुझे लगता है ये समाज बदलता जा रहा है और उस समाज के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं। मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि जब धारावाहिकों की बात आती है, धारावाहिक के एक्टर एक्ट्रेस की बात आती है, तो या तो वो टीआरपी की बातें होती हैं या कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं, इसने तुम्हारे बारे में ये कहा, उनकी रेस में वो ज़्यादा सीरियल आगे है। लेकिन पहली बार क्या एक मेल टेलीविज़न एक्टर मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात कर रहा है, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं? ये सच में मेरे लिए अकल्पनीय है। और अगर ऐसा है और ऐसे मोहित डागा जैसे 2, 3, 4, 10 और भी चीज़ मौजूद हैं, तो ये सच में बहुत ही सकारात्मकता से देखना चाहिए। ये बिल्कुल आखिरी है हमारा, ये आखिरी सिक्वेंस में है हम, बिल्कुल अबाउट टू एंड। वो लोग जो ये सोचते हैं कि मतलब एक बड़े पर्दे में आना है और छा जाना है, और लेकिन वो उसके पीछे की मेहनत और उसके पीछे की लगन, आपने भी कहा था कि धैर्य की कमी है, वो चीज़ नहीं देखते हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर, जो भी आपको पूरे अनुभव है, आखिरी ये प्रश्न है, उसमें छोटा सा एक संदेश या एक सुझाव जो आप देना चाहें वो क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री में लोग ग्लैमर से अट्रैक्ट होकर बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में ग्लैमर सिर्फ इतना सा है। एक मैंने बहुत एक विद्वान आदमी के मुंह से ये बात सुनी है, इसी इंडस्ट्री के एक विद्वान से मैंने बात सुनी है, ग्लैमर सिर्फ इतना सा है और सिर्फ हार्डवर्क है। और वो ग्लैमर की चकाचौंध में आप आते हैं, 6 महीने साल भर आप काम करते हैं, आपको लगता है यहाँ कुछ हो नहीं रहा, फिर आप जो भी फिर आप कदम उठाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अगर ऐसा सोच के कोई आता है तो ऐसा सोच के ना आए, मैं यही सलाह दूंगा। अगर इस लाइन का कोई भी सपना देखता है तो आस पड़ोस के मोहल्ले से प्रभावित होकर ना आए, अरे यार तुम तो बम्बई जाओ यार, बहुत बढ़िया काम करते हो यार, तुम जाके फिल्म लाइन में उससे प्रभाव अपनी। मैं जब आया था बॉम्बे, मेरे साथ जिस एक वर्कशॉप में मैं जाता था एक्टिंग के, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था शुरुआत कहाँ से करनी है, तो करीब 60 लोगों का बैच था हमारे, और बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा है, भगवती की कृपा है, ऐसी रही, उन 60 में से जहाँ तक मुझे अभी तक याद है अकेला मैं हूँ जो काम कर रहा हूँ, परमात्मा की कृपा है ये। तो अभी मुझे नहीं पता वो 59 लोगों, उनमें से ऐसा लड़का भी था एक, मुझे अच्छे से याद है, जो अपनी ज़मीन बेच के आया था। मुझे कभी ये चीज़ बड़ी दुख पहुंचाती है, ऐसा करके कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता से बढ़कर कोई सपना मुझे नहीं लगता कोई होना चाहिए किसी के भी जीवन में। सपने सपने सपना है, सपना सपना है, अपना नहीं, सपना हमने देखा ये हकीकत है, कीप ड्रीमिंग, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन आप उसको माँ बाप की पूंजी को ताक पे रख के आप अपने सिर्फ अपने सपनों के लिए सोचें, वहाँ पे मुझे लगता है स्वार्थ हावी हो जाता है माँ बाप के ऊपर भी। वैसा ना नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको, आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज ही अपने घर में बात कर रहा था यार एक्टिंग वापस सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका अंत तो है नहीं। मैंने गोपी सर को भी कहा कि मुझे वो फलाने जो टीचर है, एक टीचर का उन्होंने नाम बताया था, तो मुझे उन टीचर के पास जाना है, वर्कशॉप एक बार लेनी है, क्योंकि दिन रात सीखना है आपको, इतने किरदार हैं कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। और कई बार आप अच्छी फिल्म देख के, जब आप अच्छा अभिनय देखते हो तो ऐसा लगता है ये अभिनय हमसे हो पाएगा कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है अभिनय की जो व्याख्या अगर मैं बोलूं तो, शब्द शोर है, शब्द मौन है, शब्द करेंगे बातें भी, है कठिन राह थोड़ी सी, ये शब्दों में कटेंगी रातें भी, तुम ढाल सको खुद में सबको, बस इतनी मेरी चाहत है, मेरा भी एक सपना है मेरा आंगन अभिनय हो। तो आपको थोड़ी मेहनत करके आना चाहिए सबको, और धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए बाकी, और एक समय सीमा ज़रूर देनी चाहिए। मैं आपने क्योंकि कहा आप यूथ को क्या बोलेंगे, अपने आप को एक पीरियड देकर ही काम करना चाहिए कि भाई ये मियाद है, मैं 1 साल 2 साल जैसी आपकी परिस्थिति, इतने टाइम में अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। आज ज़रूरी, किस्मत सबकी होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारी किस्मत कहाँ है,
तो अगर यहाँ किस्मत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बदकिस्मत हो गए, कहीं और आपकी हो सकता है मुकाम लिखा हो ऊपर वाले ने। ये सुभाष घाई सर भी, मैं हमने जहाँ तक सब जानते हैं, वो हीरो बनने आए थे, लेकिन डायरेक्टर में उनका नाम था, और वो कितना बड़ा नाम है, वो कोई उसमें बोलने वाली बात ही नहीं है। तो इस संदेश के बाद हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था, कि सचमुच में हम सपने देखें, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर कुछ चीज़ों को जो वास्तविकता है, जो आधारभूत चीज़ें हैं, उनको ताक पर ना रखें। आपने हमसे बहुत ही सार गर्भित बातें की, और मेरी तो कल्पनाओं से भी परे आपने बातें की, जैसा कि एक टीवी एक्टर इतने ऐसे मुद्दों पर जिसको टैबू माना जाता है और उस पर खुलकर बातचीत की। हम आपके आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।